Hello and welcome to the show. Kismat और कुंडली में आप सबका स्वागत है. प्रोग्राम किस्मत और कुंडली आपकी सेवा में हर सोमवार और हर शुक्रवार लेकर के आते हैं. अलग अलग दिनों पर अलग अलग सब्जेक्ट्स कभी कभार हम डिस्कस करते रहते हैं, तो हर सोमवार और हर शुक्रवार आपकी सेवा में ये प्रोग्राम हम पेश करते हैं. प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए आपको देना होगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, और आपके डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आपकी जन्म कुंडली यहाँ पर निकाल करके जो भी आपके सवाल होंगे उसके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे. डिटेल्स में हमें जो चीज़ आपसे चाहिए वो है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ. ये तीन चीज़ मिल जाए ताकि आपकी पूरी कुंडली को यहाँ पर निकाल सके और उससे आपके सवाल का जवाब दे सके. मान लीजिए आपके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से कुछ चीज़ें हैं जिसका कुछ सवाल है कि जिनके जवाब दिया जा सकता है, कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब डेट ऑफ बर्थ से नहीं दिया जा सकता. सो काइंडली कोशिश करिए कि टाइम के साथ कॉल करिए. सो डेट, टाइम एंड प्लेस तीनों ही होगा तभी जा करके पूरी जन्म कुंडली बनेगी. जिनके बारे में जानना है उन्हीं की बर्थ डिटेल्स देनी होगी. किसी की डिटेल्स से किसी के बारे में कोई चीज़ हम नहीं बता पाएंगे. और जिनके बारे में जानना है उनकी बर्थ डिटेल्स में डेट, टाइम और प्लेस तीनों का होना ज़रूरी है. डिटेल्स का न केवल होना ज़रूरी है, डिटेल्स का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, ये खास ख्याल रहे. टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद हो, रिमोट कंट्रोल आपके पास हो, जिस वक्त आपकी हमसे बात होना शुरू हो आप उसी वक्त टेलीविज़न के वॉल्यूम को बंद कर सकें. तो ये बातें हम आपसे तकरीबन रोज़ ही करते हैं, जब भी शुरू होता है हम आपसे ये बात ज़रूर करते हैं. प्रोग्राम इस महीने में हमारा प्लान था कि कहीं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए और उसमें भी हम सैटर्न के 7वें घर से लेकर 12वें घर से जो ट्रांजिट है उसको कंप्लीट करें, लेकिन गेस्ट की अवेलेबिलिटी का भी हमें पता नहीं है. अगर जब पता चलेगा तब हम आपको कंफर्म करेंगे. और जनवरी में हम स्पेशल प्रोग्राम ज़रूर लेकर के आएंगे जो होगा 2020 के ऊपर. 2020 आने वाला साल सबके लिए कैसा रहेगा, किसके लिए, किस राशि के लिए क्या फल लेकर के आएगा 2020, उसमें मनोज तिवारी जी हमारे साथ होंगे. हम जल्दी ही आपको दिन कंफर्म करेंगे, उसमें चैनल की एयर टाइम की अवेलेबिलिटी और सब कुछ चेक करके हम आपको दिन कंफर्म करेंगे किस दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं. जिस दिन हम 2020 के ऊपर प्रोग्राम करेंगे स्पेशल प्रोग्राम कि 2020 कैसा जाएगा, उसी दिन हम सैटर्न के ट्रांजिट की भी बात करेंगे कि शनि जो है वो धनु राशि से लेकर के मकर राशि में अपनी ही राशि में जाएंगे और अपनी राशि में जाने वाले ये शनि क्या फल लेकर के आएंगे, किस राशि के लिए, वो भी 2020 के कवरेज में आ ही जाएगा. सो दोनों चीज़ हम साथ करेंगे, देखना मत भूलिएगा. ये जनवरी में हमारा प्रोग्राम है. मनोज तिवारी जी की ओर से मुझे कन्फर्मेशन मिल चुका है, सिर्फ तारीख का कन्फर्मेशन लेना बाकी है एक्सक्यूज़ मी, और चैनल के या टाइम की अवेलेबिलिटी और सब कुछ चेक करके हम आपको तारीख पे तारीख नहीं बट दो तारीखें देंगे. इसको दो प्रोग्राम्स में, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इस स्पेशल प्रोग्राम को, जिसमें हम शनि की और 2020 की बात करेंगे. दो नहीं, इनफैक्ट हो सकता है कि हमें इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़े. सारी राशियों को कवर करना है, तीन पार्ट में इस प्रोग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा शायद, तो ही जा करके सब कुछ कवर होगा. कोशिश करेंगे दो पार्ट में कवर करने की, लेकिन ना हो सका तो फिर तीन एक पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे. वरना बात यह है ना, करने के लिए तो एक पार्ट में भी हो सकता है, एक ही पार्ट में सारी राशियां जो हैं कवर कर देंगे, लेकिन फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा. फटाफट में क्या हम गहराई से देख नहीं पाएंगे, मज़ा नहीं आएगा. वो टाइम इनाफ हो तो आप ध्यान से देख सकते हैं. बात यह है जल्दी करने जाएंगे तो फिर पूरी कवरेज टॉपिक को हम नहीं दे पाएंगे. तो सैटर्न और 2020 के ट्रांजिट में, और एक है जुपिटर का ट्रांजिट जो कि एंड में होगा और राहु का ट्रांजिट उससे पहले होगा सितंबर में. सो बात सबकी करनी पड़ेगी. 2020 के आखिरी तीन चार महीनों में राहु बदल जाएगा और जुपिटर बदल जाएगा, तो ये सबकी बात करनी पड़ेगी. लेकिन मेन इसमें हमारा एम्फेसिस होगा सैटर्न के ऊपर. इसका कारण यह है कि सैटर्न 2.5 साल एक राशि में रहेगा. सो 2020, 2021, 2022 ये वहीं रहेगा. और मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ सैटर्न का इम्पोर्टेंस क्यों है.
क्योंकि ये सैटर्न जो है आपके राशि में रहेगा 2.5 साल, और जिस राशि में, जिस घर में आपके सैटर्न अभी जाएगा, वो आज से 27 साल पहले वहाँ था, 27 ईयर्स बाद वो पहली बार आ रहा है, तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह के गेस्ट है, एक आपका दोस्त है, आपको रोज़ आपके घर आता है मिलने, तो फिर मेहमान नहीं रहा, वो आपके सदस्य हो गया फैमिली का ना, रोज़ ही आता है आपके घर, कोई मेहमान जैसी बात नहीं है। कोई मेहमान, कोई व्यक्ति आपको 3-4-6 महीने में एक बार मिलने आता है, आप ये समझिए कि एक गेस्ट आपके घर आ रहा है 25-30 साल बाद पहली बार, और वो कह रहा है कि मैं आपके घर आ करके रुकने वाला हूँ थोड़े दिन, आप कितनी तैयारी करेंगे। और वो गेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट हो, बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट, और 25-30 साल बाद पहली बार आपके घर आ रहा है और आपको कह रहा है कि मैं अब आपके वहाँ थोड़ा दिन रुकूँगा, तो आप सोचिए कितनी आप तैयारी करोगे। तो इसी तरह की बात सैटर्न की है, लाइन जोजे प्लीज़, इसी तरह की बात सैटर्न की है। तो हमारे पास बर्थ डिटेल्स आ चुकी है, वो भी देखते हैं। सो या तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट सैटर्न का ये ट्रांजिट होगा। इसको हमें लग्न से भी देखना है, चंद्र से भी देखना है, दोनों एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। ये जो 2020 वाला प्रोग्राम है, मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक पार्ट में जिसमें हमारे साथ मनोज जी होंगे और शायद आदित्य जी भी साथ हो, तो एक प्रोग्राम ऐसा होगा कि जिसमें दोनों महानुभव मेरे साथ होंगे, और एक प्रोग्राम 2020 के ऊपर ऐसा होगा कि जो स्टार साइन से हम बात करेंगे, मून साइंस से, या इंडियन एस्ट्रोलॉजी नहीं लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि सबको अपनी राशियाँ नहीं पता होती, तो एक प्रोग्राम हम ऐसा भी करेंगे। एक्सक्यूज मी, कॉलर लाइन पर है हमारे साथ, बर्थ डिटेल्स आ चुकी है मेरे पास सीक्रेटली, और ये चाहते अपनी बर्थ डिटेल्स टीवी पे ना जाए इनकी, उनसे बात करेंगे। हेलो 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 जी, हेलो अदनान जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बहन जी। हेलो 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 इमरान जी। हाँ बहन जी, आपकी आवाज आ रही है थोड़ी, तो बिल्कुल थोड़ी आ रही है। अच्छा, आपको मेरी आवाज थोड़ी आ रही है? बिल्कुल थोड़ी। हाँ हाँ, और मुझे भी आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है, लेकिन हमारी टीम तक मैसेज पहुंच चुका होगा, वो जरूर इस पे कुछ करेंगे। आपकी बर्थ डिटेल्स ये किसकी है जो आपने मुझे दी है? मेरे बेटे की है। टाइम ऑफ बर्थ नहीं है आपके पास? नहीं, मैंने टाइम तो बोल टाइम टाइम नहीं सही मालूम, 6 और 6.5 के बीच है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ तो पक्की है ना, मैं टीवी पे नहीं बोलूंगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ तो मेरे पास आ चुकी है। डेट ऑफ बर्थ हाँ, वो तो आ गई है, सारा कुछ आ गया, लेकिन टाइम मेरे को मेरा सही नहीं है। अच्छा, मेरे पास टाइम में आपका क्या अंदाजा क्या है बहन जी? 6 के बाद का है, लेकिन पता नहीं क्वार्टर पास्ट 6 है, हाफ पास्ट 6 है, इसके बीच में ही होगा। सही नहीं मालूम, इसके सर्टिफिकेट में नहीं लिखा हुआ। कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ सवाल, लेकिन ये पक्का है कि 6.5 और 6.5 के बीच है। हाँ, ये तो पक्का तो नहीं कह सकती, क्योंकि 6 बजे हाँ 6 बजे ये जुड़वा है, इसलिए 6 बजे उसका लिखा हुआ है, इसका नहीं लिखा हुआ। अच्छा, एक जुड़वा में एक का टाइम लिखा है, दूसरे का नहीं लिखा? नहीं, दूसरे का नहीं लिखा हुआ, किसी का था ना मेरे पास। अच्छा, तो पहले कौन पैदा हुआ था जिसका टाइम नहीं, जिसका नहीं पूछ रही आप? उसका 6 बजे है ना, इसलिए मैंने क्वार्टर पास्ट 6 का अंदाजा लगा लिया। ओके ओके ओके, एक का 6 बजे है, दूसरे का नहीं मालूम। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके ओके, सुबह का है ना बहन जी? सुबह का, हाँ सुबह बोलना था, सॉरी। आवाज नहीं आ रही,
क्योंकि मैं बोल नहीं रहा तो बोलूंगा तो आएगी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है उम्मीद करता ठीक हूँ है बोलूंगा तो आएगी, कभी कभार बोलने पे भी नहीं आती, ऐसा होता है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हाँ क्योंकि बहन जी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा इसलिए। हेलो हेलो हाँ हाँ बहन जी, ये बताइए कि ये जो दोनों हैं जुड़वा, क्या जिस शहर में पैदा हुए वहीं रहते हैं कि बाहर रहते हैं? नहीं, वही रहते हैं। दोनों वहीं रहते हैं। ये जिसका आपने अभी मुझे पूछना है, जो जुड़वा में से छोटा है, हाँ उसने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसमें लेन देन पुलिस का हो? नहीं, मैंने अच्छा, ये कभी ये बाप बना है कि नहीं? इसके वहां औलाद है कि नहीं है? इसके वहां औलाद है कि नहीं? ये बाप बना है कि नहीं बना? नहीं, शादी का पूछना है ना, इसलिए किया है। शादी, हो गया, अभी तक बाप नहीं बना। इसकी शादी के बारे में पूछना है। हाँ That's right. ठीक है, एक बात आपको बता दूं बहन जी। लेकिन इन दोनों का एस सी आता है ना, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट हाँ अक्षर दोनों का एस सी है, बहन ठीक है ठीक है भाई का। ठीक है ठीक है, मैं बात करूँगा आप आपसे, लाइन पे बने रहिए। हाँ फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर। जुड़वा की कुंडली है, और जुड़वा की कुंडली हमेशा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि दोनों का टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, कुछ मिनटों का फ़र्क है। तो मैंने कई जुड़वाओं की कुंडली कलेक्ट करके रखी है। एक तो मेरे बहुत ही करीब मेरे दोस्त रहे जुड़वा, भाई बहन नवंबर में पैदा हुए, बहुत ही करीब। तो भाई का करियर कुछ और है, बहन कुछ करती है। सो ऐसे काफ़ी ज़्यादा केसेस मेरे पास जुड़वा के हैं, इस पे बात करेंगे। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में पूछा था। बच्चे में से एक जुड़वा है, टाइम 6 और 6:30 के बीच का है। पहला बच्चा 6 को जन्मा है और दूसरा जो है वो 6:30 और 6:30 के बीच का इनका जन्म है, लेकिन श्योर नहीं है कि 6:15 का जन्म है या 6:30 का। हमारे बहुत पुराने व्यूअर है किरण जी, उनका मैसेज आया। थैंक यू किरण जी आपके मैसेज का। आई होप आप और अमित अमित भाई दोनों ठीक होंगे। किरण जी और उनके हस्बैंड जो है अमित भाई, बहुत रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, और किरण जी और अमित भाई दोनों को हेलो। कॉलर की ओर बढ़ेंगे। हेलो हेलो, आपका आवाज ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ, अब बैठ रहे हैं पहले से या हाँ अब आई है, अब आ रही है ना? अब आई है, अब आई है, अब हाँ सुना हाँ हूँ। अब बेटर है। ठीक है ठीक है, डन। अच्छा, तो ये जिनका पूछ रही है, ये मेल है कि फीमेल है जो यंगर वन है? हाँ बेटा, बेटा लड़का है, लड़का। लड़का है, दूसरी लड़की है। जो पहले पैदा हुई लड़की है आप कह रहे? पहली लड़की है जो, ये लड़का है। टीम को कहेंगे कि अब हमें कुछ अजीब आवाज़ आ रही है कान में। मैंने लड़के का ही पूछना है, अच्छा, इसकी शादी नहीं हुई अभी तक। इंटरेस्टिंग। देखिए एक बात याद रखिएगा बहन जी, दोनों की कुंडली, पहली कुंडली जो है ना, लग्न ये चार्ट जिस, मुझे बहुत बहुत तो नहीं मालूम, ऐसा बता दो कि इसके शादी में किस
क्या बात है, क्यों नहीं हुई अभी तक, कब तक होगी? बजे आप लाइन पे बनी रहिए, आप लाइन पे बनी रहिए प्लीज़। टीम को कहेंगे कि ऑडियो चेक कर लिया जाए। मुझे कॉलर की आवाज़ अब क्लियर नहीं आ रही, और इनफैक्ट कोई बहुत होलो सी आवाज़ आ रही है। कान कोई टॉकबैक में इश्यू है, मेरा जो फीड टॉकबैक में आ रही है उसमें कोई इश्यू है। टीम को कहेंगे उसको चेक कर लिया जाए। कॉलर को होल्ड पे डाल दीजिए प्लीज़। लाइन फाइव क्या कह रहे हैं? हाँ बहन जी लाइन पे रहिए। लाइन सिक्स ट्राई कर सकते हैं प्लीज। हेलो, आवाज हम तक नहीं आ रही है कॉलर की जो लाइन सिक्स पर है उनकी। एनीवे अभी हम चेक करेंगे। सो ये एक इंटरेस्टिंग कुंडली है। इनका सवाल है विवाह कब होगा, जैसे ही हमारी आवाज़ हमारा ऑडियो ठीक हो जाए, हम तक जो आपका ऑडियो आप पहुंच रहा है वो जैसे ही ठीक हो जाए हम फिर कॉल लेना शुरू कर देंगे। कर्क लगन की ये कुंडली है, और कर्क लगन की कुंडली में पहले घर में इनके पड़े हुए हैं शनि। इंटरेस्टिंग बात यह है इस कुंडली में कि नवमांश जो डिविजनल चार्ट है वो नवमांश जो है डिविजनल चार्ट जिसको हम कहेंगे वो डिफरेंट है दोनों का। और पहला चार्ट अक्सर आपको जुड़वां बच्चों में देखने मिलता है कि सेम रहता है, लेकिन इंटरनल चार्ट दोनों के चेंज हो जाते हैं। इंटरनल चार्ट में नवमांश जो है वो मोर और लेस हर 13 मिनट में चेंज होगा, 13 मिनट 40 सेकंड अगर गलती नहीं हो रही, 13 मिनट पे। और दशमांश जो है वो तकरीबन हर 12 मिनट पे बदलेगा। अगेन ये अप्रोक्स से हर कुंडली के लिए डिफरेंट होगा, हर लग्न के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि सारे लग्न एक टाइमिंग के नहीं होते, सारे लग्नों में टाइमिंग में डिफरेंस होता है। इस कुंडली में टीम को कहेंगे इसको होल्ड पे डाल दे, लाइन फोर को होल्ड पे डाल दे। इस कुंडली में पहले घर में पड़ा हुआ है शनि। पहले घर में शनि नॉर्मली उसकी जो दृष्टि होती है वो होती है शादी के घर के ऊपर। कोई बात नहीं, पहले घर में अगर शादी की दृष्टि है तो शनि की दृष्टि अगर शादी के घर ऊपर ठीक है, लेकिन अब जब आप नवमांश में जाते हैं ना इसी कुंडली में, तो कुंभ राशि सातवें घर में पड़ती है जहाँ पर केतु है। होता क्या है कि ये केतु का सातवें घर में होना नवमांश में और कुंभ राशि का, ये शादी का सुख कम देता है, ये याद हमेशा रखिएगा। नॉट ओनली दैट, नवमांश में अगर हम इनके देखें तो शुक्र अष्टम है, शुक्र आठवें घर में है, तो आठवें घर में पड़ा हुआ ये शुक्र भी दिखाता है कि शादी की खुशियाँ, शादी का सुख इस कुंडली में बहुत कम होगा। अलबत्ता इस जनवरी में जब सैटर्न चेंज होगा, ये सैटर्न शादी के ही घर में आएगा। ये अर्ली लाइफ के लिए ये सैटर्न ज़िंदगी के 30s में या 20s में बहुत ग्रेट नहीं है शादी के लिए, लेकिन यही सैटर्न लेट 30s या अर्ली 40s में जो है ना वो शादी के लिए बुरा नहीं माना जाएगा, ये बात याद रखिएगा। गोचर का जो इसका ट्रांजिट होगा, तो अब ट्रांजिट में जुपिटर को जाना है, पहले सैटर्न जाएगा उसके बाद जुपिटर जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका जो सवाल है कि शादी के बारे में अगले साल 2020 के अक्टूबर के बाद, सो एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर दिस टाइम शादी का योग इनका बनेगा। 2020 का एंड और 2021 पूरा ये शादी का इनका साल है। सो एंड ऑफ 2020 से लेकर एंड ऑफ 2021 का जो पीरियड होगा शादी के लिए वही पीरियड माना जाएगा। बंजे आई होप आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया हो। एंड ऑफ 2020 से लेकर के एंड ऑफ 2021 के बीच शादी का योग पूर्णतः है, बहुत स्ट्रॉन्ग योग है और शादी होना लिखा है। एक्चुअली जिस तरह का इनका शनि है, इनकी कुंडली में है कि 40 साल से पहले अगर शादी होती है इनकी 39-40 से पहले, तो वो चलती नहीं है, समहाव वो शादी में प्रॉब्लम आती है, वो चल नहीं पाती।
लेट शादी ही इनके लिए बेहतर रहता है। बट एनीवे इनका पीरियड अब शुरू हो रहा है, इसी अगले साल के एंड में मुझे लगता है कि इनका पीरियड सॉलिड होगा। लड़का पार्टनर ढूंढने का जो पीरियड है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी से ही, फरवरी से ही शुरू हो जाएगा मोर ऑर लेस। आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। शनि की बात हम कर रहे थे, शनि पहला ट्रांजिट होगा जो प्लैनेट होगा जो ट्रांजिट करेगा नेक्स्ट ईयर, और जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेगा हम चाहेंगे कि सैटर्न का इंट्रोडक्शन भी आपको दे और सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर भी हम बात करें, लेकिन वो कहीं होगा नेक्स्ट ईयर एंड में, अभी नहीं। 26th या 27th of January 2020 को सैटर्न चेंज होगा और मकर राशि में अपनी राशि में सैटर्न का आना है, और मैं समझता हूँ कि सैटर्न के लिए बेस्ट हाउसेस है 3, 6, 11 ट्रांजिट में, ये घर बहुत ही अच्छे हैं। और फिर हर घर में सैटर्न का दोनों साइड का इफ़ेक्ट होता है, अच्छा बुरा दोनों इफ़ेक्ट है, तो कोई एक घर में कम्प्लीटली अच्छा ही अच्छा या बुरा ही बुरा नहीं कह सकते, दोनों मामलों में दोनों साइड होती है सैटर्न की, ये कह लीजिए तो चलेगा। फॉर एग्जांपल सैटर्न आठवा, तो आठवें घर में सैटर्न हो तो लॉन्ग लाइफ देता है, लेकिन आठवें घर में सैटर्न हो बहुत ज़िंदगी में लॉन्ग लाइफ के साथ बहुत कड़वे एक्सपीरियंसेस भी करा सकता है। फिर डिपेंड करेगा कि सैटर्न किस राशि का है, किस नक्षत्र का है। अगर ये आठवें घर में सैटर्न पड़ा हुआ है तुला राशि का, तो बैठे बिठाए बाप दादा की बहुत सारी ज़मीनें दे सकता है। यही सैटर्न आठवें घर में मेष राशि का हो तो समझ लीजिएगा कि ये बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद अपने जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस देता है। सो वैरायटी है, 12 टाइप के सैटर्न होंगे खाली राशियों की बात करें तो, और इंटरनल फिर उसका देखने जाए फॉर एग्जांपल नक्षत्र, तो फिर और चीज़ें पता चल सकती हैं। हम ये करेंगे कि नक्षत्र के ऊपर हमने बहुत कम बात कही है हमेशा, नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे कि नक्षत्र के ऊपर भी काफ़ी नक्षत्रों को कवर करने की कोशिश करेंगे। नक्षत्र बेसिकली क्या होता है, आपको ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखने नहीं मिलेगा, लेकिन ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यानी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये नक्षत्र आपको देखने मिलेगा। नक्षत्र क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये राशि है, ठीक है। अब एक राशि को फर्दर डिवाइड करना हो, हम मेष से करते हैं क्योंकि बहुत इजी रहेगा समझने में, इसलिए हम मेष से बात करेंगे। कालपुरुष की पहली राशि है, और फिर हम यहाँ कोई और नंबर लिखते हैं और घर की बात करते हैं तो लोग होते हैं कंफ्यूज, तो इसलिए हम मेष से ही शुरू करेंगे। किसी भी जन्म कुंडली में ये घर तो 12 होंगे, आपने 12 राशियाँ 12 घर ये तो अक्सर सुना होगा, ये कोई पहली बार कोई नहीं बोल रहा, ना आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन हर राशि को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप स्टार साइन पढ़ते हो ना कि एरीज है 21st, 22nd of March से लेकर के 21st of April में पैदा हुए, ये सारे एरीज है, या 22nd April से लेकर के 22nd May सब टॉरस है, 23rd May से लेकर के 22nd June सो ऑन सो फोर्थ, ये आप शुरू रहेगा। सो ये एक एक महीने की एक, तो 12 महीने हैं, हर महीने की एक राशि होती है, हर महीना मतलब महीना वो 20-21 तारीख से शुरू होता है, वो वहाँ से लेकर के एक महीना, सो 12 महीने की 12 राशियाँ, ये आपने सुना होगा, स्टार साइन आपने देखा होगा, ये है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ये आप यहाँ न्यूज़पेपर में और उसमें पढ़ते होंगे। लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी की एक खासियत है, वो बहुत गहराई से बात करता है। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में क्या है, एक सिस्टम और सिस्टम्स में से एक सिस्टम है, उसको कहते हैं नक्षत्र। ओके, सो एक राशि को फर्दर डिवाइड किया जाता है, सो मेष राशि है, उसको डिवाइड किया जाएगा
मैं मैथमेटिकली सही तरह का डिवीज़न बनाना चाहता हूँ, इसलिए पर मुश्किल होगा इसको करना, लेकिन एनीवे एक दो तीन, ये दोनों हिस्से एक्चुअली इक्वल होने चाहिए, तो थोड़ा मुझे इसको यहाँ और मूव करना चाहिए था, बट चलेगा। तो तीन पार्ट में, हर राशि में तीन नक्षत्र होंगे, दो नक्षत्र इक्वल होंगे, एक छोटा, टोटल नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्र है, 27, ओके। तो 27 नक्षत्र को 12 राशियों में डिवाइड किया जाएगा, ओके। तो ये फर्दर है, सो मेष राशि वाले अगर कोई है तो मेष राशि वाला अगर कोई है तो मेष राशि एक नहीं है, मेष राशि यानी एरीज साइन जो है वो सब एरीज को एक जैसे नहीं, उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ बर्थ, ओके। उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो इसको कहते हैं नक्षत्र। नक्षत्र का इंग्लिश जो वर्ड है जो नक्षत्र के लिए यूज होता है उसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन, ओके। तो फर्दर एक राशि को डिवाइड किया जाएगा, फिर उस नक्षत्र को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, उस वो चार उसके स्टेजेस होंगे, तो एक दो तीन, सो इसमें चार स्टेज हो गए, 1 2 3 4, हर नक्षत्र के चार हिस्से हैं, तो एक दो तीन, और ये हो गया चौथा, सो ये दूसरा नक्षत्र है, 1 2 3 4, सो ये एक नक्षत्र हो गया, यहाँ चार पार्ट में, ये दूसरा नक्षत्र हो गया, फिर तीसरा नक्षत्र, तो ये भी चार पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन इसमें सारे चार पार्ट नहीं आएंगे, फिर कुछ पार्ट यहाँ पर चले जाएंगे। सो करते हैं इस पे बात, ब्रेक भी लेनी है, कॉलर से भी बात करनी, सो ये बारीक है, इसलिए टाइम ऑफ बर्थ बहुत मैटर करता है। अभी ये जुड़वा की कुंडली आई तो ये बात मुझे याद आई, जुड़वा की जब हम कुंडली देखेंगे हो सकता है राशि सेम हो, नक्षत्र बदल जाएंगे अंदर के, हो सकता है चंद्रमा का नक्षत्र चेंज हो जाए क्योंकि वो उसका चांस सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो क्विकेस्ट है। दूसरा लग्न का नक्षत्र हो सकता है बदल जाए, उसका चांस सबसे ज़्यादा है कि लग्न का नक्षत्र बदल जाए। सो ये बारीक कैलकुलेशन है, ये आपको जो न्यूज़पेपर में देखने मिलता है ना वो वाला नहीं है, बहुत डिफरेंट है जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली, उसमें बहुत गहराई से बात होती है हर राशि के ऊपर, तो इसको कहते हैं नक्षत्र। तो और उस पर बात करेंगे नक्षत्र के ऊपर, कॉलर्स भी लाइन पर हैं, इनसे बात करेंगे, फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नक्षत्र के ऊपर, सो हर राशि को इस तरह फर्दर नक्षत्र में डिवाइड कर सकते हैं, और एक नक्षत्र को फिर भी उसको भी चार पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं नक्षत्र। ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी की देन है, ये आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र के बारे में कुछ जानने सुनने नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि वो नक्षत्र के ऊपर भार नहीं देते। तो 27 नक्षत्र होते हैं, ये बात याद रखिएगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नक्षत्र का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन हम अगले साल कब कहीं इसको छेड़ेंगे, अभी उसको छेड़ने का समय नहीं है, मे बी नेक्स्ट ईयर शनि के बदलने के बाद हम नक्षत्र के ऊपर जाएंगे। और यही नक्षत्र राशि को तो पार्ट में डिवाइड करता ही है, इसी तरह राशि में जो भी प्लैनेट राशि में जाता है वो किस स्टेज के ऊपर है ना, उस हिसाब से तय होगा कि ये शादी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नक्षत्र जो है ना, ये जब हम शादी का फ़ोन करते हैं ना कुंडली मिलाने के लिए किसी के, तब ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें नक्षत्र होते हैं, एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, नक्षत्र के ऊपर ही बेस्ड है ये कह लीजिए तो चलेगा। कुंडली मिलाप जब हम करते हैं ना, गुण मिलाते हैं, तो वो उसी के ऊपर बेस्ड है। सो मेष राशि का अगर चंद्रमा हो, मेष राशि का, तो वो मेष राशि का चंद्रमा भी अलग अलग स्टेज के ऊपर अलग अलग काम देगा, ये याद रखिएगा।
सो इसी तरह मेष राशि का चंद्र हो या मेष राशि का गुरु हो या मेष राशि का शनि हो, कोई भी प्लैनेट मेष राशि में हो एंड फॉर दैट मैटर किसी भी उसमें हो, तो आप समझ लीजिएगा कि उसका एक 108 तरह के उसके कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र चार पार्ट में डिवाइड होगा, 7 4 28 2 4 2 8 + 2 10, सो 108 वेरिएशन होंगे, 108 हर ग्रह के, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्र के अंदर भी उसका चरण है जिसको हम कहते हैं, तो टोटल 108, एक सितारे के 108 होंगे, सो 9 सितारे हैं, आप समझ जाइए कितने कॉम्बिनेशन होंगे, बात यह है। एनीवे कॉलर से बात करेंगे। हेलो 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 मैम, अस्सलाम वालेकुम, मैं शीन बात कर रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रही, एनीवे अभी हो रही है तो बात शुरू कर लेती हूँ। आपको मैंने बेटी का उस दिन भी दिया था, आपको जनवरी, आपको मेरी आवाज आ रही है बराबर? आपकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि वो ऐसे आ रही है जैसे आप बहुत दूर बैठे हुए बोल रहे हैं। अच्छा। और माइक आपके पास नहीं है, जस्ट लाइक दैट, तो मैंने फिर अपना स्पीकर ऑन किया ताकि मुझे आपकी कुछ तो आवाज आए। अच्छा अच्छा, और मुझे आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है, टीम को कहेंगे कि मुझे, मेरी भी कम आ रही है। अच्छा, मैं अपना स्पीकर ऑफ करके कान से लगाती हूँ, तो मेरी आपको ठीक आ जाएगी। मुझे मुझे आपकी आवाज बहुत ही थोड़ी आ रही है, मुझे नहीं, आप कुछ बोल रही है, हेलो इमरान, पता चल रहा है। अब आप कैसी आ रही है आपको? आप बोलती रहिए, हमारी टीम कुछ करेंगी शायद इसके ऊपर, क्योंकि हमें आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओ, बस इमरान यही है, ये आपकी टीम जो है वो इसके वॉइस सिस्टम को क्यों नहीं ठीक करते हैं, हम इतनी कॉल्स करते हैं, बात ही नहीं आपसे हो पाती है ना। अब ठीक हो गई, अब आपकी आवाज ठीक हो गई। चलें ठीक है, बताइए। शुक्र है जी जी इमरान, 21 जनवरी 1996 जी, और टाइम प्लेस ऑफ टाइम 10:30, उस दिन हमने काफी टाइम इसके ऊपर लगाया था, तो इट इज 10:30 जी। कहाँ का बर्थ है इसका? रावलपिंडी। उस दिन मुझे लगता है टाइम में कोई डिस्क्रिपेंसी थी जी, टाइम नहीं, उस दिन बात हमारी हुई थी ना इस पर के मैंने आपसे कहा था कि 9:30 हो सकता है या 10:30 हो सकता है, आपने पूछा था कि इन बिटवीन, तो मैंने कहा था मुझे इन बिटवीन नहीं लगता, इट इज एक्चुअली 9:30 और 10:30, तो आपने उन्होंने निकाला था, तो कभी बात हो ही रही थी तो फिर कट गया था, तो आप इसको 10:30 पे चेक कर सकते हैं, इसका वेट और इसकी बात आप कुछ कर रहे थे वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हम वेट की बात कर रहे थे, और आपने कहा था कि इनका सडन गेन ऑफ वेट हुआ है लास्ट एक साल के अंदर, 10 किलो वजन बढ़ गया जी। बिल्कुल, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, इसको हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा सा एक साल के अंदर अंदर, तो उसमें इसने हॉर्मोन्स की दवाइयां ली थी, उसकी वजह से इसका वेट गेन हुआ है। आपने उस दिन मुझसे पूछा था कि ये खाने में क्या पसंद करती हैं, तो वो भी ये था कि ये मीट खाती हैं, वेजिटेरियन, वेज से कुछ बिल्कुल नहीं खाती, लेंटिल्स दालें नहीं खाती, इट्स ओनली मतलब जो इनकी पसंद है वो सिर्फ मीट पसंद करती हैं खाने में। इसको इसको कभी आप कहोगे कभी इसको कान की कोई तकलीफ रही हो या माइग्रेन, हेडेक, सिर हेड की कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं
इंटरेस्टिंग, टाइम फिर हम 9:30 नहीं लेंगे, 10:30 ही फिट बैठेगा। इसके दांत को कैसे आप डिस्क्राइब करोगी, नॉर्मल है, कोई इश्यू है दांत में, या दांत एकदम ठीक ठाक कंप्लीट सही सेट ऑफ टीथ, दांत के बारे में क्या कहोगे? ना इसके दांत तो अच्छे, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत एक लाइन में है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही मुनासिब। दैट्स फाइन, हम 10:30 का टाइम लेंगे, वही फिट बैठेगा। जी जी ठीक है। मेरा भी गालिब जो टाइम है ना मेरे जहन में, या मुझे जो जिसकी नॉलेज है वो 10:30 ही है। ईमान से करियर का पूछना है, आजकल मेन चीज इसकी ये है कि 3rd year में ये पढ़ रही हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स में, और करियर के लिए ये बहुत, क्योंकि जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है इसी टाइम में, तो इन्होंने अप्लाई भी किया है, एक जगह से इनको ऑफर भी आई है। तो अभी ये आपसे जो पूछना चाह रही थी वो ये है कि इनकी इसमें भी इकोनॉमिक्स में भी 2-3 लाइन हैं जिसमें ये डिफरेंट हैं। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, एक है कंसल्टेशन कंसल्टिंग की है, और एक है गवर्नमेंट में सिविल जो डिप्लोमेट जॉब जो होती है उसमें आ जाती हैं गवर्नमेंट में सिविल सर्विसेज। ये 3 इसकी हैं लाइंस। अभी ये चाह रही है कि मुझे क्लियर हो जाए कि मैं किस लाइन में जाऊंगी या मेरे फ्यूचर किस लाइन में बेटर है, और ये इसके बारे में करियर का इसका क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मेरा है इसका, मैरिज के बारे में बाद में मैं करूँगी। हाँ। लेकिन आप ये मुझे करियर के बारे में इसका प्लीज जरा देखिए। ठीक, सबसे पहले आपका जो सवाल है वो करियर से जुड़ा है, और ये लड़की आपकी बेटी जो है खुद भी जानना चाहती है करियर के मामले में कुंडली क्या कहती है। ओके, अब करियर के मामले श्योर, और आप एज अ मदर, जैसे हर माँ इंटरेस्टेड होती है शादी में बच्चे की, तो आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो बाद में जाएंगे, पहले बच्चे का सवाल है वो उसको जवाब देते हैं। आप कुंडली को टीवी स्क्रीन पे देख पाएंगे। आपकी बेटी की जो लग्न है ना, जो राइजिंग साइन है, वो है मीन राशि। ओके, मीन लग्न जो है, ये लग्न रूल्ड है जुपिटर के द्वारा, तो ये जुपिटर डोमिनेटेड कुंडली है। नॉट ओनली दैट, मैं उसके 10th हाउस को, 10th डिवीजन को देखूं, तो वहां पर भी जुपिटर का सॉलिड 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 इन्फ्लुएंस है। तो इसके करियर के घर में पड़ा है जुपिटर। मैं दशमांश में इसके चला जाऊं, तो दशमांश में पहले घर में अगेन जुपिटर। तो आपकी बेटी जो है वो है, इसकी कुंडली है टीचर वाली। अब टीचर, एडवाइजर, सिखाना समझाना, ये सब कुछ जुपिटर के अंदर आता है। लेकिन किसकी, काहे की एडवाइस, काहे की टीचिंग, किस तरह की, वो अगर देखना हो तो जुपिटर से 2nd हाउस में देखो, तो वहां मकर राशि है। मकर राशि है और वहां पर पड़ा है चंद्र और मंगल और सूर्य और बुध, मतलब 4 प्लैनेट पड़े हैं, मर्क्यूरी, सन, मून और मार्स। ये 4 प्लैनेट यहां पर पड़े हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये वेरियस सेक्टर्स में काम करेगी। तो इससे ये मतलब निकलता है कि इसको फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना चाहिए। इससे ये होगा कि वो एक सेक्टर तक महदूद लिमिटेड नहीं रहेगी। ये अलग अलग सेक्टर्स में जा सकती है, वहां एडवाइस दे सकती है। अच्छा। तो इसके लिए फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टॉक एक्सचेंज, करेंसी, क्रॉस कंट्री ट्रेड, और ऐसी कंपनी, क्योंकि मकर राशि है, ऐसी कंपनी जो गैस, ऑयल गैस, पेट्रोल, ये नेचुरल रिसोर्सेस, कोल, एनर्जी एंड फ्यूल, बेसिकली इवन रिन्यूएबल्स, तो एनर्जी फ्यूल, इस तरह की कंपनी को, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन अगर कर सके तो बहुत अच्छा होगा। बट शी शुड बी अ कंसल्टेंट, इसको फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनाइए। लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है कंसल्टेंसी जो है उसके अंदर भी ये क्या उसमें भी कंसल्टेंसी में कामयाब रहेगी? लेट्स से अभी इसको आई हुई है सिविल सर्विसेज के अंदर। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर सूर्य है और मंगल है। अच्छा, तो ये
किसी भी उस एरिया में भी ठीक है, गवर्नमेंट से जुड़ा, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंस और कंसल्टेशन, ऐसा और बहुत वेरियस सेक्टर्स में करेगी कुंडली इसकी ऐसी है। दूसरी बात इसका, आप लाइन पे बनी रहिए, लाइन पे बनी रहिए, फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ, इनसे हमारी बात जारी रहेगी। हेलो। हेलो जी। हाँ जी मैम जी, आप बता रहे थे। तो सबसे पावरफुल प्लैनेट इसकी कुंडली में जुपिटर है, इसी वजह से इसको एडवाइस देना, सिखाना, कंसल्टेशन ये सबसे अच्छा रहेगा, उसी फील्ड में डालिए। अच्छा, एक इसका ये है कि प्लेयर्स जो ये होना चाहती है वो ये है कि एक तो होती स्ट्रेटजी कंसल्टेंसी इस फील्ड के अंदर, और दूसरी होती है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर एज कंसल्टेंट जाते हैं। तो उसमें आपको मतलब आपने वैसे उसमें आप इसको क्या इसको थोड़ा सा अगर कर दें कि स्ट्रेटजी कंसल्टिंग में जाएंगी या इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग में जाएंगी, फाइनेंस कंसल्टिंग जिसमें बैंकिंग या फाइनेंस जुड़ा हो वो सबसे बेहतर है। अच्छा, जिसमें बैंक ऑफ फाइनेंस जुड़ा। ठीक ठीक, अभी इनके इंटरव्यूज अभी हुए हुए हैं, अभी आजकल में कुछ आंसर्स भी आने वाले हैं, तो कुछ सितारे इसकी फेवर में हैं कि अच्छे जवाब आएंगे? डेफिनेटली फेवर में है। अच्छा? लेकिन एक बात है जी, इसके सितारे इसके फेवर में ज्यादा होंगे 14 जनवरी के बाद। ठीक हो गया। 15 जनवरी आज से लेकर एक महीने बाद इसके सितारे इसके ज्यादा फेवर में है। तो अगला साल जब इसका बर्थडे आएगा, बर्थडे के साथ साथ नोट भी आएंगे। अगला साल बर्थडे आएगा, बर्थडे के साथ ही रोकड़ा आएगा। अच्छा, अभी तो ठीक है। ये लग रहा है। अच्छा, एक और बात है, इसकी कुंडली में वापस पढ़ने जाना भी लिखा है। अच्छा, वो कब तक है? आज से लेकर के 1.5 साल बाद इसको वापस पढ़ने जाना पड़ेगा। आई नो आपने कहा ये पढ़ चुकी है, लेकिन मुझे लगता है वापस पड़ेगी। वही मैनेज का प्रोग्राम तो है ना, अभी तो चले ये ग्रेजुएशन हो जाएगी तो इस साल के सितंबर में इसको डिग्री इसकी मिलेगी, लेकिन बाद में इसमें मास्टर्स उसके प्लान में है, ऑब्वियसली वो तो ये करना चाहती है, लेकिन कह रही थी थोड़े से ब्रेक के बाद मास्टर्स करूंगी। क्या करना चाहती जी? मास्टर्स इसी में, इकोनॉमिक्स में ही मास्टर्स करना चाहती है, वो तो इसके प्लान में बिल्कुल है। लेकिन बहन जी, ये मास्टर्स से भी ऊपर पड़ेगी। अच्छा ठीक, मास्टर से भी ऊपर पड़ेगी। ठीक, क्योंकि इसकी कुंडली में पढ़ाई के घर का मालिक अपने से तीसरा पड़ा है। अच्छा, फर्दर एजुकेशन का मालिक वहां पर वो पढ़ाई के घर के मालिक के साथ है। ये सब कुछ अगर देखो ना तो मास्टर से भी ऊपर पढ़ाई लिखी है, ये याद रखिएगा। और आई डोंट नो, इसने कभी सोचा के नहीं। हेलो हेलो इमरान, क्या कह रहे हैं? हाँ जी इमरान, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता इसने कभी सोचा के नहीं, लेकिन इसकी कुंडली में लिखा है इसको किताब लिखनी पड़ेगी। अच्छा, ये बुक लिखेगी। अच्छा, किस सब्जेक्ट के ऊपर लिखेगी मुझे नहीं पता, लेकिन कुंडली कहती है ये आगे जाके किताब लिखेगी, ये बुक लिखेगी। ये लग रहा है, टाइम बताएगा। बट
लाइन की ड्रॉप हो गई। इन्होंने पूछा करियर के बारे में, करियर के बारे में कुंडली क्या कहती है। मीन लग्न की यह कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली में 10वें घर में पड़ा हुआ है इनका जुपिटर। जुपिटर 10th हाउस करियर का है, ये बात याद रखिएगा किसी भी कुंडली में। और 10th डिवीजन हमें अगर देखना होगा, 10th डिवीजन में अगर मैं देखूं तो इनका जुपिटर अगेन फर्स्ट हाउस में है। मीन लग्न ही बनता है फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, मतलब ये है कि कुंडली के 10 हिस्से कर दो ना तो 10वां हिस्सा दिखाता है कि आपके काम का इंटरेस्ट, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट जाग सकता है, किस में आपकी सक्सेस लिखी है, किस फील्ड में, ये अगर देखना है तो कुंडली के दशमांश में जाना पड़ेगा, मतलब कुंडली का 10वां हिस्सा। वहाँ पर भी जुपिटर ही डोमिनेटेड है। जुपिटर क्या है, जुपिटर का काम क्या है? जुपिटर का काम है दूसरों को, ये प्लैनेट ऑफ लाइट है, बट ये लाइट नॉलेज, समझदारी वाली लाइट। ओके, सूर्य भी लाइट दिखाता है, जुपिटर भी लाइट दिखाता है। सूर्य की रोशनी कौन सी है, ये रोशनी कौन सी है, ये जो आपको दिखती है ना सन, घर में आपके ट्यूबलाइट है, बल्ब है जो जल रहे हैं, वो वाली रोशनी है। तो लेकिन ये है जुपिटर समझ वाली, दिमाग की बत्ती, जिसको हम हिंदी में नहीं कहते दिमाग की बत्ती जगह, तो ये दिमाग समझदारी की रोशनी है। पहले भी आपको एग्जांपल दिया है, सेम किताब होती है, सेम टीचर है, सेम लाइट है, दोनों बच्चे पढ़ पा रहे हैं लेकिन दोनों के मार्क्स डिफरेंट आते हैं, दिमाग की बत्ती कौन जगाएगा इसके ऊपर है। तो ये जुपिटर उसकी है। जुपिटर है टीचर, जुपिटर है गाइड, जुपिटर आपको समझाता है, सिखाता है, ये सारा कुछ जुपिटर का काम है। सो कम्प्लीट। अगर कुंडली में 11वां घर बहुत ज़्यादा पावरफुल ना होता, फॉर एग्जांपल इसमें ये वाला, तो फिर इनके लिए स्ट्रैटेजी बनाना सबसे अच्छा होता, क्योंकि अगेन ये है राशि धनु, धनु राशि स्ट्रैटेजी की राशि है। ओके, बट क्योंकि अर्गला, इसके ऊपर का हमें घर देखना है, किसी भी प्लैनेट को समझना है ना तो उससे आगे वाले घर को देखिए, क्योंकि आगे वाला घर उसका, जैसे हमारे अंदर हमारे संस्कार, खाना पीना, बोलना हमारे परिवार से आता है, तो ये उससे आगे वाले घर को अगर देखेंगे तो पता, वो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है बेसिकली। अर्गला किसी भी प्लैनेट से सेकेंड, फोर एंड इलेवन देखोगे ना तो आपको उस प्लैनेट के ऊपर का पड़ता हुआ असर नज़र आएगा। हम है क्या बेसिकली, हम एक घर में पैदा हुए, उस घर की फैमिली की जो हमें असर मिलती है वो, हम स्कूल में गए, स्कूल में हमारे जहाँ स्कूलिंग हुई हम उस हिसाब से सब्जेक्ट सीखे, हमारे दोस्त जिसके साथ उठते बैठते हैं उनका इन्फ्लुएंस हम पर आता है, तो ये सब मिला करके हमारा स्ट्रक्चर जो है, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान, हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। फैमिली, स्कूलिंग, पढ़ाई और जिसके साथ आप उठते बैठते हैं। कुंडली यहाँ से सेकंड हाउस को देखना है। सेकंड हाउस किसी भी घर के, सेकंड हाउस खाने का है बेसिकली, तो आप क्या खाते हो उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी चलती है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। खाना आप जो खाते हो उस हिसाब से आपका रहना सहना, आपका जो है वो, आप डाइट, आपके परिवार और उसके ऊपर डिपेंड होता रहो, उस आप जैसे वो आपके परिवार के ऊपर डिपेंडेंट है तो इस तरह आप अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट है। शायद मैं लफ्ज़ों का इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहा हूँ, बट एनीवे विल गेट देयर। सो सेकंड हाउस किसी कंजम्पशन दिखाता है बेसिकली, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो सेकंड हाउस दिखाएगा। आप रोटी खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, जहर खाओगे तो चल पड़ोगे दुनिया से। कोई भी बंदा जहर खा ले क्या होगा, जहर वो अगेन सेकंड हाउस खाना होता है। तो किसी भी प्लैनेट, किसी भी ग्रह से उससे सेकंड हाउस देखोगे तो समझ आएगा कि वो खा क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, वही कॉलर लाइन पर है, इनसे बात करेंगे फिर हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो 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 तो ये जी हेलो हाँ जी हाँ जी हेलो जी हाँ जी इमरान, अगर आपने करियर का इसके लिए कोई मुझे एक बात पूछनी है और ये इसके बारे में कि फिर ये जॉब जो है ये 15 जनवरी के बाद जो ऑफर हो आपके ख्याल से इसको वो लेनी चाहिए या जो अभी इसको ऑफर हुई है ये वो ले ले। अभी ऑफर होगी तो शुरू कब करेगी?
अभी ऑफर हो रही है, जितनी भी ऑफर होंगी ये अक्टूबर में शुरू होगी, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में. ओके ओके, दैट्स फाइन. हाँ जी हाँ जी. मैं कहूँगा कि इसको कोशिश करिए कि 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच भी अपनी तलाश जारी रखें. सही, 14 फरवरी तक मैं ये खास कहूँगा. लेकिन जो 15 से 14 के बीच आएगी ना, वो सबसे प्रॉमिसिंग लग रही है सितारों के हिसाब से, बाकी तो आपको तय करना है. बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई है. तो 27 जनवरी को भी इसका एक इंटरव्यू है, वो सिविल सर्विसेज में, वो भी एज कंसल्टेंट ही है. 27 जनवरी? जी जी, 27 जनवरी को. आई थिंक वो बहुत प्रॉमिसिंग होगा, क्योंकि अगेन वो 15 के बाद पड़ रहा है. अच्छा, तो 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच का है ना, वो सबसे प्रॉमिसिंग टाइम है. समझ में आ गया. तो इसके पहले कोई आप कोई अच्छी रेमेडी अगर हो कि इसको मतलब ये जरा, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा. और इसमें सेकेंड थिंग जो मैरिज के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो इसकी किस एज में मुझे करनी चाहिए. मतलब मैं तो अभी नहीं इतना जल्दी सोचना चाहती, लेकिन अगर आपको कुछ उसके बारे में गाइड करें या बताएं. ठीक है, देखते हैं. इसके गुड लक के लिए कुछ रेमेडीज है, वो करनी पड़ेगी. आपने इसने वो करा दीजिए. जी वो ज़रूर मुझे बताएंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है इसके लिए, वो ये है कि जब ये कमाना शुरू करे, इसने अपनी कमाई से किसी चैरिटेबल स्कूल में या किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा देना पड़ेगा. कहाँ पर वो बच्चा ढूंढे ये आपके ऊपर है. किस जात का, किस मजहब का, किस रंग का, किस नेशनैलिटी का वो बच्चा हो या बच्ची हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन इसने अपनी कमाई में से किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च अपने सर पे लेना पड़ेगा. ये सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है इसके लिए, नंबर वन. ठीक है, आइडियली कोई लड़की हो जिसके माँ बाप ना हो, या उसकी मम सिंगल मदर हो, उसको बड़ा करने में उसको तकलीफ आ रही हो, उसकी एजुकेशन के लिए पैसा देना है. ये नंबर वन चीज़ है, ये करनी पड़ेगी. दूसरी चीज़ जो दूसरी रेमेडी है जो इसके लिए है, वो यह कि हो सके तो इसको एक पुखराज डलवा दीजिए. अच्छा, येलो सफायर. हाँ, येलो सफायर और पर्ल, ये दो चीज़ डालनी है. ठीक है, पर्ल और येलो सफायर. इसको चैरिटेबल स्कूल और चैरिटेबल हॉस्पिटल, उसमें पैसा देना है. ठीक है, जितना वहाँ ये देती जाएगी, इसकी किस्मत इसका साथ देती जाएगी. ठीक, ये जरूरी उपाय है, ये करा दीजिएगा. तीसरी बात, एक और बात इसकी कुंडली में लिखी है, वो ये है कि आई थिंक ये हरेक की जिंदगी का हिस्सा है उतार चढ़ाव. ठीक है, इसमें आपकी बेटी एक्सेप्शन नहीं है, हरेक के, आपके भी होंगे, मेरे भी है, रहे हैं, आगे भी होंगे. इस तरह आपकी बेटी को भी उतार चढ़ाव जिंदगी में काफ़ी फेस करने पड़ेंगे, उसमें कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ. लेकिन इसकी कुंडली में लिखा है कि जिंदगी में एक बार ये अपने करियर में बहुत बुरी तरह गिरेगी. अच्छा, लेकिन गिरने के बाद अगर उठे ना, तो ये गिरना डरावना है. लेकिन इसकी कुंडली में उसके बाद उठना भी लिखा है, ये बात याद रहे. ये कब तक है और किस मतलब एरा में आएगा, या मतलब करीब में है, दूर में है? उसको बहुत टाइम है, बहुत दूर है, वो अभी नहीं है. अच्छा, इसके कहीं 40s में ये लिखा है. अच्छा, हाँ, मिड 40s में, सो बहुत दूर है वो टाइम. लेकिन क्या उसके बाद उठना लिखा है कि नहीं, अगर उसका आप मुझे सवाल पूछेंगे तो मैं इतना ही आपको कहूँगा कि ये बराबर उठेगी उससे. उठेगी, बिल्कुल. अच्छा, ये इसकी कुंडली में लिखा है. और ये पैदा पाकिस्तान में हुई है, रहती यूके में है, लेकिन इसकी कुंडली कहती इसको अपने काम की वजह से एक और कंट्री में जाना पड़ेगा. अच्छा,
लेकिन काम की वजह से आना जाना होगा इसका, काम आना जाना होगा। और आती जाती तो अभी भी ये इसका जो ट्रैवल का जो है वो इतना ज्यादा होता है कि ये कॉलेज की तरफ से भी कंटिन्यूअस दूसरे मुल्कों में आती जाती है, और अभी भी ये मतलब साउथ अफ्रीका भी जा रही है। एक्सेलेंट, क्योंकि ये मैं हॉलीडे की बात नहीं कर रहा हूं बहन जी। नहीं हॉलीडे नहीं, काम के सिलसिले में। हां, क्योंकि इसकी कुंडली कहती है इसका पार्ट ऑफ एजुकेशन और पार्ट ऑफ करियर विल बी इन अनदर कंट्री अदर देन हर कंट्री ऑफ बर्थ एंड द कंट्री शी रिसाइड्स इन। सो यूके और पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान पैदा हुई, यूके में रहती है, लेकिन इसके अलावा भी किसी और मुल्क में इसको पढ़ने या काम करने के लिए जाना पड़ेगा, आना जाना लगा रहेगा दूसरे कंट्रीज में। पर लेके पैदा हुई है ये कह लीजिए आप। लाइन एजुकेशन भी इसका ऐसे ही है। लाइन पे बनी रहिए, बात करते हैं। ठीक, लाइन पे बनी रहिए। फिलहाल बढ़ रहे बहुत छोटे से ब्रेक की, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ, उन्होंने पूछा था अपनी बेटी के बारे में। हमारी ऑडियो जो है अब आपकी जो हम तक आवाज़ आती है वो अब लग रहा है क्लियर हो गई, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन लग रहा है कि अब हमारे साइड से ऑडियो ठीक है, अब आप लोगों की आवाज़ भी मुझ तक सही से पहुँचनी चाहिए। एनीवे, पार्ट ऑफ क्या कहते हैं, लाइव शो करते हैं तो ये सारा फेस करना पड़ता है, नॉर्मल है। अब मुझे लगता है कि आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, अब ऐसा फील हो रहा है। हमारी होनहार टीम जो है उन्होंने इस पे मेहनत की है और ऑडियो क्लियर है। एनीवे, सो हम बात कर रहे थे किसी भी घर से उससे आगे वाला घर डिटरमिन करता है कि वो क्या खाता है, और वो कहते हैं ना कि वी आर व्हाट वी ईट, तो हम वही हैं जो हम खाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं। सो कंजम्पशन, जो आप बोते हैं वही उगता है ना, तो अगर आप पपाये के बीज डालो ज़मीन में और एक्सपेक्ट करो, हमने बीज तो पपाये के डाले हैं लेकिन इसमें आम लग जाए ना तो क्या बात है, मज़ा ही आ जाए भाई। पपाये बोए हैं तो आम कैसे आएगा, अनलेस के हिला हुआ बंदा हो, यही एक्सपेक्ट करेगा, वही ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है कि पपाया बो करके उसको आम का पेड़, या आम बो करके कहे बस आम का पेड़ तो लगा लिया, बस इसमें पपाये थोड़े आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा भाई, उसमें नहीं पपाये आएंगे, वो आम का पेड़ है। तो जो बीज बोने वाली बात है, तो किसी भी ग्रह के बीज जो बोए जाते हैं आपको वो चेक करना है, तो उस घर से दूसरा घर, चौथा घर और ग्यारहवां घर देखेंगे, तभी जा कर के आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर घर में किस तरह उस के बीज बोए गए हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर जुपिटर से आगे के घर में चार प्लानेट है, इसलिए बहुत अलग अलग तरह के बीज बोए गए हैं, मतलब यह है कि यहाँ तो तकरीबन बाग लगा हुआ है, तो जुपिटर बहुत सारा काम करवाएगा। तो ये बात है, बट एनीवे, दूसरा सवाल इनका था विवाह, शादी। शादी के मामले में राहु सातवा है इनका, बहुत अच्छी राशि का राहु है, बहुत ही मजबूत किस्म का ये राहु माना जाएगा, लेकिन जहाँ तक शादी की बात है, मैं समझता हूँ कि शादी के लिए आइडियल पीरियड जो इनके लिए होगा वो होगा जब इनकी उम्र हो 26 साल पूरे, 26 के बाद का समय शादी के लिए अच्छा रहेगा, बिटवीन 27 एंड 28 ये विवाह का पीरियड रहेगा, मुझे लगता है उस अरसे में इनकी शादी होनी चाहिए। लड़का जहाँ ये पैदा हुई वहाँ का नहीं होगा, उससे कहीं दूर का होगा, जैसे ये पाकिस्तान में पैदा हुई तो लड़का पाकिस्तान में पैदा हो ऐसा नहीं लग रहा, कहीं दूर पैदा हुआ होगा, या
या पैदा पाकिस्तान में हुआ हो लेकिन कहीं दूर रहता होगा, वो लड़का अपने इसके जन्म स्थान पर नहीं रहता, कहीं दूर रहता है, इस तरह का कोई लड़का मिलेगा, ऐसा इनकी कुंडली कहती है। लेकिन 26 साल के बाद का पीरियड शादी के लिए ठीक रहेगा, उससे पहले का पीरियड शादी के लिए बहुत ग्रेट नहीं है। तो ये थी हमारी कॉलर। आपको बताते चले कि हमें कुछ ईमेल्स और आए हैं और हम और वेट कर रहे हैं आपके ईमेल्स की। आप पेन और पेपर ले लीजिए, हम आपको एक ईमेल एड्रेस बताएंगे और उस ईमेल एड्रेस पे क्या करना है ये भी बताएंगे। रेगुलर व्यूअर्स को तो पता है, जो लोग आज जुड़े हैं उनको शायद ना पता हो। तो आप पेन पेपर लेकर के ईमेल एड्रेस अपना ये वाला लिख सकते हैं। पेन पेपर तो क्या, आप फ़ोन में भी नोट कर सकते हैं। मैं ज़रा ओल्ड स्कूल हूँ इसलिए पेन और पेपर की बात करता हूँ, बाकी फ़ोन पे भी बंदा ईमेल एड्रेस लिख लेता है। सो आप अपने फ़ोन पर ये ईमेल एड्रेस मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा, वो आप लिख सकते हैं और उसका क्या करना है वो भी हम आपको बता देंगे। कॉलर लाइन पर इनसे बात करेंगे। हेलो 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 इमरान जी, मैंने अपने बारे में पूछना है। आपको अपने बारे में पूछना है जी। नाम का पहला लेटर क्या है? एस फॉर शुगर। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1st of September 1977। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? शाम के 5:30। कहाँ का जन्म है? पाकिस्तान जेलम। आप सब कुछ रिपीट करेंगी एक बार प्लीज। नाम का पहला एस फॉर शुगर, टाइम ऑफ बर्थ शाम के 5:30, प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान जेलम, एंड डेट ऑफ बर्थ 1st of September 1977। अच्छा, क्या सवाल है आपका? घर का पूछना था। मतलब बदलना चाह रहे हैं, मतलब वो मतलब लेना चाह रहे हैं। आपने मुझे लगता है महीने दिन पहले फोन किया था, महीना दो महीना पहले? नवंबर के स्टार्ट में किया था आपको फोन। हाँ हाँ, और आपने कहीं ऑफर डाली थी मकान की और वो मकान की ऑफर जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ था? एक्सेप्ट, अभी उनका फोन आया, मैं अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ दूँ क्योंकि वो ले रहे हैं घर। ओके। उनकी है 11th December 1972। 11th of September 72। नो दिसंबर, 11th December। 11th December 11, 12, 1972। टाइम क्या है? टाइम उनका अर्ली मॉर्निंग 2 से 2:30 के बीच। अभी आपने टाइम नहीं बोला कौन सा है उनका, वैसे आपको पता है। कहाँ का बर्थ है इनका? पाकिस्तान जेलम। जेलम का ही इनका जन्म है। आप एक बार रिपीट करिए प्लीज अपने हस्बैंड की बर्थ डिटेल्स। 11th December 1972। नाम का पहला हर्फ ए से शुरू होता है और अर्ली मॉर्निंग 2 से 2:30 और प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान जेलम। जी जी जी, बताइए। क्या कह रही थी आप? उनका फोन आया था लास्ट वेनेसडे को, तो हमने 6,40,000 की ऑफर की है। तो वो कहते हैं पहले वो 7,30,000 पे थे, अभी कहते हैं कि 7,00,000। अभी ये पूछना था कि इससे कम होंगे या नहीं होंगे। अभी उनका ट्रांसफर कतर हो गया है, मतलब इधर उधर नहीं रहना। सॉरी, आप इस वक्त कौन से शहर से बोल रही? ब्रैडफोर्ड। ब्रैडफोर्ड, ब्रैडफोर्ड, यस।
हेलो जी जी बहन जी, मैं देख रहा हूँ। मैंने आपकी प्रश्न कुंडली भी बना ली है। प्रश्न कुंडली जैसे इंसान का जायचा होता है ना, इंसान की कुंडली होती है, जी इस तरह जब आप सवाल पूछते हैं ना तो सवाल के भी टाइम की एक कुंडली बनती है। जी इसके लिए मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि आप कहाँ से बोल रही हैं। आपने बताया ब्रैडफर्ड, तो मैंने अभी ब्रैडफर्ड की अभी कुंडली बनाई कि ब्रैडफर्ड में इस वक्त सितारों की पोजीशन क्या है। जी सब कुछ देखते हुए मेरे पास आपके लिए सिर्फ गुड न्यूज़ है। जी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये मकान यही वाला मिल भी जाएगा, जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह मिल जाएगा। जी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे हस्बैंड के अभी वो हॉलीडे पे गए हैं, वो वैसे तो लंदन होते हैं, मतलब वो जो आदमी है वो डॉक्टर है, तो अभी वो हॉलीडे पे गए और 2 हफ्ते बाद वो कहते हैं कि पता नहीं ये, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फोन किया था कि हमारे घर में थोड़ी इस घर की वजह से थोड़ी टेंशन चल रही है, ये वो यही कर लेना है सब कुछ, तो वो कहते हैं कि हमने 30,000 कम किया है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं 6,40,000। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, मतलब कुछ भी कहते हैं सोच के जवाब देंगे। तो अभी 11 दिसंबर को बात हुई है, जिस दिन मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, और अभी हमने बाद में बात कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया उसके बाद। मैं जी, आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, अभी तो हम बिल्कुल खामोश हैं, आप कोई भी नहीं आ रही। खामोश ही रहिएगा और खामोश ही बैठिएगा, ओके, कब तक? क्योंकि अभी प्रश्न कुंडली बन रही है, इसमें मून आ रहा है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में फोर्थ लॉर्ड बन करके मून है, और उससे फोर्थ हाउस में मार्स है जो कि फर्स्ट लॉर्ड है। ये सारा कुछ देखते हुए लग रहा है कि जिस तरह आप चाहती हैं इसी तरह मामला निपट जाएगा। ओके, लेकिन इस प्रश्न कुंडली मतलब की नेक्स्ट मंथ जी, इसमें मेरे देर हस्बैंड सवेर हो कहते हैं सक कि 4 जनवरी तक वेट करो, मुझे कहते हैं। आप वही बात है, मैं तो कहूंगा वेट ही करिए। इनफैक्ट इनफैक्ट काम आपका वैलेंटाइन के बाद होगा। सॉरी, वैलेंटाइन के बाद हाँ, 14 फरवरी के बाद। मतलब वो घर हो जाएगा, मतलब अभी कहते हैं कि दोबारा ये घर से दोबारा ही, मतलब जैसे पहले करना पड़ रहा था ना, इसी तरह दोबारा उसका सब कुछ होगा। डजंट मैटर, डजंट मैटर, आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे चाहती है वैसे ही निपट जाएगा। मतलब 14 फरवरी के बाद घर हो जाएगा, या मतलब वो जवाब देंगे 14 फरवरी के बाद? उसके बाद घर का लग रहा है कि होगा, जवाब का आप उनकी ओर से वेट करिए जब भी वो देना चाहे। मैं कोई और गाना देखें फिर, जी मैं तो कोई और गाना देखें, जैसे सब कह रहे हैं कि कोई कुछ और गार भी देख लो या कुछ कर लो ये कोई वो। बात नहीं, देखना बंद नहीं करना चाहिए, और अगर देख लीजिए लग रहा है यही वाला होगा। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारे दुनिया के और मकान देखना बंद कर दीजिए, ऐसा मत करिए। नहीं वो तो देख रहे हैं, मगर मेरे और मेरे हस्बैंड को बस यही पसंद है, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल थोड़ा नजदीक है, सब कुछ उस तरह फिर सब कुछ देखना पड़ता है ना, हाँ, तो ये है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एक बात याद रखिएगा बहन जी, जी न दुनिया में कोई घर आखिरी है, जी न दुनिया में कोई फ्लाइट आखिरी है, न कोई जी आखिरी बस है, कोई कल कयामत नहीं दिख रही है अभी तो, यानी तो आप दूसरे देखिए, लेकिन लग रहा है जहां आपका दिल है वही वाला निपट जाएगा, वही हो जाएगा। ये एरिया भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा एरिया है, मतलब ये सब कुछ है, चीज अच्छी है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर चीज लेनी है तो एक ही दफा लेनी है, बार बार फिर नहीं लेने होती चीज, इसी वजह से कह रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, कभी कभार हमारा दिल आ जाता है मकान के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, ये होता है, लेकिन ना कोई व्यक्ति आखिरी है, ना कोई गाड़ी आखिरी है, ना कोई मकान आखिरी है, सिंपल तो है। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, मगर दिल उनका भी उधर ही है कि 10-12 मकान देख चुके हैं, मगर फिर भी दिल उधर ही, मतलब उनका अटका हुआ है। ये दिल का ही तो प्रॉब्लम है ना बहन जी, दिल है कि मानता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है यही वाला होगा।
आप देखना शुरू रखिए अपना, दूसरा भी होगा यही वाला। एक मतलब देखे हैं 10-12 भी तो नवंबर से बस कर दिया है कि मतलब इतने मकान अभी लगे भी नहीं है, और जो देखे हैं वो पसंद भी नहीं आ रहे, तो कहते हैं कि अभी जनवरी में अगर कोई और लगे तो फिर देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे वैलेंटाइन के आसपास फोन करके बता दीजिएगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। और मैंने आपसे पूछना था, आप 2015 में या 2014 में आपने बोला था मुझे कि मैंने आपको फोन किया था, आपने बोला था कि आपके मतलब 2016 में आपको कोई मतलब बहुत बड़ा मतलब बैड न्यूज हो मतलब आपको मिलेगी या कुछ उस तरह आपने बोला था 2016 में, सुन रहे आप? हेलो हाँ मैं सुन रहा हूँ मैं जी। हाँ तो 2016 में मेरे मदर जो है वो एक्सपायर मतलब वो भी थी, वो फोत हो गए थे। Sure. तो उसके बाद मतलब वो जो बात आपने बोली थी वो मार्च में 2016 में। हाँ तो अभी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी मतलब मैंने ये वाली मतलब ये गल का मैंने आई थिंक 4-5 महीने पहले किसी से पूछा था, तो उसका आपका नहीं पता था, तो किसी से पूछा था मैंने, तो उन्होंने बोला था कि ये घर ये वाला घर भी हो जाएगा और आपको कोई मतलब बैड न्यूज मतलब कोई होगी, आप मतलब खुशी भी आएगी और गमी भी आएगी, ये सच है या क्या है ये तो आप उन्हीं को पूछ सकते हैं, मुझे ऐसा नजर आता तो मैं बोल देता, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा, होता तो बोल देता, कुछ नहीं दिख रहा, दिखता तो बोल देता, थोड़ी सी होगी परेशानी होगी थी ना 4-5 महीने पहले, ऐसा दिख नहीं रहा पहले मेरे कुंडली या मेरे हस्बैंड की कुंडली दोनों से नहीं दिख रहा, दिखता तो बोल देता, अलबत्ता आपके हस्बैंड की कुंडली में एक दो चीज़ है जो नज़र आ रही है जी? वो ये है कि करंट पीरियड जिससे ये अभी गुजर रहे हैं ना, इसमें इनको हाँ, गाड़ी या मकान की वजह से कोई मैटर कोर्ट में जाएगा, कोई कोर्ट का लेटर आएगा, इनके वैसे मकान है जो इन्होंने रेंट पे भी दिए हुए हैं और गाड़ियां जैसे इनके जो डिलीवरी वगैरह करती है जो इनका बिजनेस है वो भी है इनकी गाड़ी। हाँ तो इनको इस वक्त गाड़ी या मकान की वजह से थोड़े तंग होंगे, कोई कोर्ट का लेटर आएगा या गाड़ी या मकान में नुकसान होना मतलब गाड़ी लग जाना, मकान में कोई पता नहीं चीजें खराब हो जाना, कोई खर्चा गाड़ी या मकान के ऊपर होगा। ओके गाड़ी बदलनी पड़ेगी या मकान बदलना पड़ेगा, आपने पहले भी बताया था मुझे ये वाली बात जी, ये बात आपने पहले भी बताई थी। हाँ बस तो वही नजर आ रहा है, कोई बैड न्यूज नहीं है सर, एज अच है थोड़ा बहुत वो जो इनकी मैंने बोला था ना कार और भी है जो रेंट पे दिए हुए गाड़ियां और भी है जो जैसे हाँ, तो बिजनेस करते हैं ना वो डिलीवरी वगैरह आगे पीछे जो करते हैं वो गाड़ियां है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो सकता है टेम्पररी तंग करे, मेक श्योर करिए सारी गाड़ियों का बराबर इंश्योरेंस हो, जो ड्राइव कर रहा है वो इंश्योर्ड हो, वो लाइसेंस वाला हो, कोई ऐसा काम मत करिएगा जो कानून की नजरों में गलत हो, दैट्स ऑल। ओके वैसे तो करते तो इसी से नहीं आपको पता नहीं, बस वही ध्यान रखना। ओके तो फिर इंतजार में फरवरी तक इंशाल्लाह मुझे 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 बहुत उम्मीद, आप लाइन पे बनी रहिए, लाइन पे बनी रहिए प्लीज। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की ओर, मकान के ऊपर इनका दिल आ गया है और दिल का क्या करें, ये दिल और दिमाग, जिंदगी ऐसी है कि जैसे हम एक टाइट रोप पे चल रहे हैं और हाथ में हमारे एक लकड़ी है, एक तरफ दिल है एक तरफ दिमाग है, पूरा दिमाग यूज़ करा तो इस तरफ गिर जाएंगे, पूरा दिल यूज़ किया तो इधर गिर जाएंगे, वो फाइन बैलेंस करना बड़ा डिफिकल्ट है, शायद उसी से ज़िंदगी चलती है, सारा गेम जो है हार्ट और माइंड का है, बट इमोशन एंड लॉजिक इस पर बात करेंगे, जीतता हमेशा इमोशन है, इमोशन और लॉजिक में जीतता हमेशा इमोशन है, आप याद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ, उन्होंने अपने मकान के बारे में पूछा था, कुछ समय पहले भी उन्होंने फ़ोन किया था और मुझे लगता है यही मकान से रिलेटेड इनका सवाल था, इनकी ओर बढ़ते हैं फिर हमारी चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो 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 जी, हाँ जी हाँ जी बहन जी, सॉरी हमारी बात हो रही थी ब्रेक में जाने से पहले। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, तो
आपके हस्बैंड की कुंडली के हिसाब से हम बात कर रहे थे, तो गाड़ियों का, मकान का, इस वक्त गाड़ी या मकान तंग करेगा और हो सकता है कोई कोर्ट का मैटर हो, बहन जी कोई कोर्ट से लेटर आए, लेकिन ड्रॉप हो गई। ये थी हमारी कॉलर जिन्होंने पूछा अपने और अपने हस्बैंड के बारे में। तो दुनिया का कोई मकान आखिरी मकान नहीं है, ये हमें याद रखना चाहिए। ना कोई लड़का या लड़की दुनिया की आखिरी या आखिरी लड़का या लड़की है। ये बात अलग है कि हमारा कभी दिल आ जाता है, इंसान है तो ये तो होता है ना कि भाई चलो ये मकान पसंद आ गया, वो लड़का पसंद आ गया, वो लड़की पसंद आ गई। ये ज़रूर होता है, मैंने आसपास बहुत लोगों के देखा है। और रीज़न जो लॉजिक है और इमोशन है, हम इसी में चलते हैं, दिल और दिमाग के बीच का ये सारी कश्मकश होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मीन ज़्यादातर लोगों के केस में लॉजिक और इमोशन में इमोशन जीतता है। मैं नहीं कहता हर इंसान को ये अप्लाई होता है, लेकिन ज़्यादातर इंसान पे ये चीज़ अप्लाई होती है, ज़्यादातर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको रात को 12 बजे 1 बजे एकदम अंधेरा हो, अमास की रात हो, आपको कहे कि कब्रिस्तान में जाना है, अकेले कोई रोशनी लाइट नहीं होगी, तो मन घबराएगा। अब कब्रिस्तान में जो मुर्दे सो रहे हैं वो उठकर थोड़ी आपको कुछ करने आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह पता है। लॉजिक तो यही कहता है कि कोई मुर्दा उठ कर के आपका गला नहीं पकड़ेगा, वो तो गए हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म है, फिज़िकली आपको हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी आप जाते हुए डरोगे, खुदा ना खास्ता किसी अजीज़ को हमने गवा दिया, कोई बहुत नज़दीकी व्यक्ति है दुनिया से चला गया, चली गई, आप रोते हैं, आपको पता है कि आपके रोने से कुछ नहीं होगा, लॉजिकली स्पीकिंग, कि आपके रोने से कोई वो ज़िंदा नहीं हो जाएंगे, ना वो वापस आ जाएंगे, रोने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने अजीज़ को जब गवाते हैं तो रोते हैं, इमोशन। आपका ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, आप दुखी हैं, अक्सर लोग दुखी होते हैं, देवदास कोई बन जाता है, कोई कोई क्या बन जाता है। आपको पता है कि आपके दुखी होने से सिचुएशन नहीं बदलेगी, लेकिन फिर भी आप दुखी होते हैं। तो इमोशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, याद रखिएगा, लॉजिक सही बात है लेकिन इमोशन ओवरपावर कर लेते हैं मोर और लेस। इसीलिए कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे इमोशन को दिखाता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में लग्न से सब कुछ जहां देखते हैं वहां से हर चीज़ चंद्र से भी देखा जाता है, इसको कहते हैं चंद्र लग्न। अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ एंड व्हाट वी फील, एंड में यही आता है कि हम फील क्या करते हैं, सारी 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 बात तो यही है। खुदा ना खास्ता किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा, एक व्यक्ति ने आपका नुकसान किया, आपको नुकसान किया, अब आप होगा कि बस मैंने भी अब उसको तंग करना है, तब तक नहीं, अब मैंने बदला लेना है, रिवेंज लेना है, मैंने भी उसको तंग करना है, वो उसको तंग करना, रिवेंज लेना, आपको लगता है कि बस मैंने कुछ तंग कर लिया, मुझे बस, जबकि उसको सामने तंग करने से आपके नुकसान की कोई भरपाई नहीं होने वाली, आपका टाइम वापस नहीं आ जाएगा, आपका सब कुछ ठीक
पहले वाला पुराना ठीक हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं। फिर भी ये फीलिंग आपके अंदर होती है कि मैंने उसको तंग करना, ये बदले की ये भावना, तो ये जो सब कुछ एंड में फीलिंग के ऊपर आता है कि हम क्या फील करते हैं, हमारे हम क्या महसूस करते हैं, एंड में सब कुछ उसी के ऊपर आता है। तो फीलिंग का प्लैनेट है आपकी कुंडली में चंद्रमा, और यही चंद्रमा खुशियों का भी कारक है। आपकी कुंडली में शनि जहाँ पर पड़ा हो, राहु जहाँ पर पड़ा हो, जुपिटर जहाँ पर भी पड़ा हो, फिर जुपिटर का बहुत लेन देन है हैप्पीनेस से, क्योंकि जुपिटर वो समझदारी देता है कि मेरी हैप्पीनेस कहाँ पर है ना, वो अच्छे बुरे की समझ जुपिटर देता है एक्चुअली, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के चक्कर में ही हम भागते हैं हर जगह। अल्टीमेटली डिज़ायर और डिज़ायर का फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, ये सब कुछ चंद्रमा के अंदर आता है। इसीलिए याद रखिएगा कि कुंडली के सारे प्लैनेट्स एक तरफ, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट नंबर वन अगर मैं किसी को कहूँगा तो ये मून है। लग्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारी कुंडली को तय करता है, लेकिन लग्न जो है ये दिखाता है आपके आसपास की एक्चुअल चीज़ें, मटेरियल चीज़ें क्या है, सराउंडिंग क्या है, ये सब कुछ यहाँ से पता चलेगा। लेकिन हाउ दैट विल मेक यू फील, वो मून दिखाता है, ये याद रखिएगा। पहले भी आपको कहा है और बड़ी सिंपल बात है, चीज एक ही हो सकती है लेकिन दोनों, दो व्यक्ति के दिल में उसकी फीलिंग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बिरयानी बहुत पसंद है और उसको चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, उसके सामने आ गई तो वो तो खुशी और भूख भी बहुत लगी है और बहुत टेस्टी सी चिकन बिरयानी सामने आ गई, वो कितना एक्साइटेड हो जाएगा उसको देख करके। लेकिन एक बंदा, दूसरा बंदा भी उधर है, वो भी बहुत भूखा है लेकिन वो प्योर वेजिटेरियन है, उसने ज़िंदगी में चिकन को हाथ नहीं लगाया और वो खा भी नहीं सकता और वो नहीं खा पाएगा, तो वो उस बिरयानी को देख के एक्साइट थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि वो पता है कि वो खा नहीं सकता, चीज़ वही है दो लोगों में। बहुत आपको भूख लगी है और बड़े मज़े का किसी ने आपके सामने सरसों का साग बना दिया और रोटी रख दी साथ, तो आप देख कर कितने एक्साइटेड हो जाओ, कितने खुश हो जाओगे उसको देख करके। वहीं दूसरा बंदा बैठा है, उसको साग जहर लगता है, उसको अच्छा ही नहीं लगता साग, ज़रा भी गले नहीं उतर, उसको साग की स्मेल भी नहीं पसंद, साग देखना भी नहीं पसंद, खाना दूर की बात है। वही साग दोनों के सामने आया, एक खुश हुआ दूसरा नहीं हुआ, साग वही है। तो साग कौन दिखाता है? लग्न। लग्न दिखाता है आपके सामने पड़ी हुई चीज। तो ये तो दो लोगों के सामने, चार लोगों के सामने, दस लोगों के सामने वही चीज पड़ी है, लेकिन उस चीज का रिएक्शन हर एक का डिफरेंट होगा। वो कैसे पता चलेगा? वो कहां से तय होगा? वो मून से तय होगा। मून तय करेगा कि आप चीज को देख करके रिएक्ट कैसे करोगे, क्या वो चीज आपको खुशी देगी या नहीं देगी, दुखी करेगी खुश करेगी, ये यहाँ से पता चला। अल्टीमेटली आपकी पूरी ज़िंदगी का जो पूरी कुंडली का जो निष्कर्ष है वो सारा कुछ चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा अच्छा है तो खुश, झोंपड़े में भी खुश रहोगे, अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है ना तो महल बना लो, महल में भी बैठ के रोओगे। तो ये अल्टीमेटली सारी गेम चंद्रमा की है और किसी प्लैनेट की नहीं है, बाकी सारे प्लैनेट अपनी जगह है, घूमते फिरते रहेंगे। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? माइंडफुलनेस, मोमेंट में जीना, कंटेंटमेंट, चंद्रमा, ये सब कुछ, दया, कंपैशन, ये सब कुछ चंद्रमा के अंदर आता है बेसिकली। सो अल्टीमेट आपका गोल जो है, आपको चंद्रमा को, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब कुछ चंद्रमा के अंदर आएगा। प्राणायाम भी उसके अंदर आएगा, मेडिटेशन भी चंद्रमा के अंदर आएगा, ये याद रखिएगा। सो अल्टीमेट प्लैनेट आपकी कुंडली का, एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू मून। सबसे इम्पोर्टेंट मून है, मून ठीक है तो कुंडली ठीक है, आप खुश रहोगे, मून खराब है तो आप दुखी होगे। तो ये बात है।
प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है, कॉलर भी लाइन पर है, इनसे भी बात करनी होगी लेकिन प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है इसलिए हम अभी कॉल नहीं ले पाएंगे। जिनको बात करनी है वो 0203488778 उस नंबर के ऊपर कॉल कर पाएंगे, 0203488778 आपकी स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है। 3 बजे तक ये लाइन खुली रहेगी हमारी, तो अगर ऑफ एयर बात करना चाहते तो उस नंबर के ऊपर कर पाएंगे। 3 बजे से पहले हमारी टीम आपको बता देगी किस तरह आप हमसे ऑफ एयर बात कर सकते हैं। तो वो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो है 0203488778, वो नंबर टीवी पे जाने के लिए नहीं है, ऑफ एयर के लिए नंबर है। हम आपको ईमेल एड्रेस बता देते हैं। मुझे आप लोगों से एक फेवर चाहिए, फेवर मैं आपसे टाइम टू टाइम मांगता रहता हूँ और आप लोग बड़े जेनरसली मुझे फेवर देते रहते हैं, हमेशा दी है टचवुड, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमें इस तरह के फेवर्स देते रहेंगे। तो मुझे आपसे एक बहुत बड़ा फेवर और चाहिए, ट्रस्ट मी, आखिरी फेवर नहीं होगा, आपसे मैं फेवर मांगता रहूँगा। फेवर में ये है कि आप लोगों ने मुझे ईमेल करके बताना है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई खास, कोई अनयूजुअल इवेंट हुआ हो बिटवीन मार्च 2019 until January, February 2020, ओके ये सिंपल करने के लिए। एक्चुअली मुझे चाहिए था मार्च और सितंबर के बीच और फिर अक्टूबर से, नवंबर से लेकर फरवरी के बीच, लेकिन सिंपल करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या इवेंट आपके साथ इस अरसे में आपके साथ अगर कोई अनयूजुअल, कोई खास इवेंट हुआ हो, तो कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट, कोई 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 नई बात, कुछ हटके आपकी ज़िंदगी में हुआ हो, तो ये आपने हमें बताना है। किस तरह बताना है? ईमेल करके। ईमेल एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ एंड ऑफ द शो। ईमेल में क्या लिखना है, एक तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। आप अपने बारे में, अपने नज़दीकी लोगों के बारे में हमें बता सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, उनकी परमिशन ले करके। उनका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होगा मुझे, जेंडर, नाम दे सके तो बहुत अच्छा है, नाम और जेंडर, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, उनके साथ क्या इवेंट हुआ, उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया बिटवीन मार्च 2019 टू फरवरी 2020, किस दिन वो इवेंट हुआ या किस अरसे में या किस हफ्ते में वो इवेंट हुआ, क्या इवेंट हुआ, ये आपने हमें ईमेल करके बताना है। आपकी ईमेल मेरे तक रहेगी, कॉन्फिडेंशियल होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, ये मेरा आपसे वादा है। क्यों मैं ये कर रहा हूँ? क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ कि जब 3 प्लैनेट बीच में वक्री हुए, जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स, तीनों वक्री हुए, उसकी क्या असर पड़ी, और तीसरा कॉम्बिनेशन, दूसरी बात है कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न, जुपिटर एंड केतु जो कि अभी चल रहा है, उसका क्या असर पड़ा यह पढ़ने वाला है, वो मुझे जानना है। ये जानने के पीछे रीज़न ये है कि अगर ये मैं समझ गया तो मेरे लिए दूसरे कोड्स को क्रैक करना इजी होगा। किताबों में बातें बहुत लिखी है, मैं आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या हुआ वो जानना चाहता हूँ। तो अगर वो आप मुझे बता सके, जैसे ये बहन जी है अपना पूछ रही थी अभी मकान का, अगर मान लो इनके मकान का हो जाए, तो इनको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे ईमेल करके बताएं कि भाई इस समय में ड्रीम मकान मिला, तो ये चीज़ें मुझे आपकी ओर से फीडबैक चाहिए ताकि मुझे उस कॉम्बिनेशन को समझने में मदद मिले, ये भी रिक्वेस्ट है। ईमेल एड्रेस आपको दे देता हूँ, ये लिख लीजिए, है ईमेल एड्रेस हमारा है astroimran1@gmail.com, मैं रिपीट कर दूँ, astro फिर इमरान imran और फिर है वन, न्यूमेरिक कैरेक्टर वन, one नहीं, वन, सो astroimran1@gmail.com, आपने इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे ईमेल करके बताना है कोई खास इवेंट जो आपकी ज़िंदगी में मार्च 2019 से लेकर फरवरी 2020 के बीच हो, अपने डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, या जिसके साथ भी इवेंट हुआ हो उनके डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ उनका इवेंट लिख कर भेजना है। आप मुझे बहुत बड़ा फेवर करोगे अगर ये करोगे तो। ये सब कुछ है कैलकुलेशन, इससे बढ़कर कुछ नहीं, कोई खुदाई इल्म, इलाही इल्म, डिवाइन या स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं है, कोई गॉडली नॉलेज नहीं है, कैलकुलेशन है। हो सकता है कि कैलकुलेशन में मेरी गलती हो, मेरी जिम्मेदारी है अगर मेरी गलती हो तो, कोई भी बात मैंने कह दी सही आएगी तो उसका टीचर, मेरे टीचर को क्रेडिट जाता है, उनको जाता है जिन्होंने इस पर किताबें लिखी, रिसर्च किया, सॉफ्टवेयर बनाए, आप लोगों को जाता है। अगर आप फोन करके कभी कुंडली नियम पूछते तो मैं कभी कोई चीज़ समझ ही नहीं पाता। हाँ, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, जाने से पहले एक बात आपको बता दूँ, 26th या 27th को इस महीने ग्रहण है, एक्लिप्स है, तो एक्लिप्स की क्या असर पड़ेगी सभी राशि के ऊपर मैं फ्राइडे कवर करूंगा। मैं आज तैयारी करके एक्लिप्स के ऊपर नहीं आया हूं, लेकिन इस फ्राइडे को मैं आपको एक्लिप्स के ऊपर का बताना चाहता हूं कि किस राशि के ऊपर एक्लिप्स की क्या असर पड़ेगी। अगले कमिंग फ्राइडे को हम ये करेंगे और उसके बाद के मंडे को 2 एपिसोड्स में उसको डिवाइड करेंगे। एक्लिप्स के ऊपर का स्पेशल प्रोग्राम कमिंग फ्राइडे होगा, ज़रूर देखिएगा और आपका फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात आपसे मेरी होगी अब सीधे फ्राइडे के दिन दोपहर को 12 बजे लाइव वीनस टीवी पर। फ्राइडे तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त,